ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। हिंदी में गद्य और पद्य में आप लोग का क्या इंपॉर्टेंट है इस बात को समझ लीजिए। कुछ टॉपिक बता देंगे, उसको आप लोग डिटेल से पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है उसके एक ना एक गद्य पद आपके जो है पेपर में आएगा। येगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% है कि ये आएगा। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं हिंदी का जो इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है वो 100% गारंटी के साथ कि इसमें से ही आएगा। क्या क्या आने वाला है, अगर गद्य की बात करें तो उसमें राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का पूरा पढ़ लीजिएगा और अशोक के फुल चैप्टर का पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं तो एकदम कंफर्म है कि आपका जो है एक आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम पद्य की बात करें तो पवन दूती का ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैकई का अनुताप इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और श्रद्धा मनु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों के तीनों टॉपिक का तीनों के तीनों चैप्टर का पूरा पढ़ लेते हैं तो कंफर्म है कि आपका जो है एक आ जाएगा। बस इतने के लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे तो हमने सोचा कि इसको भी आप लोग को बता दिया जाएगा। अब इसके बाद जो है आगे का वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, संस्कृत के इंपॉर्टेंट के बारे में। ठीक है, कि संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है, कहां से संस्कृत में आने वाला है। तो बस इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।